अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मल्टी टॉपिक सिंपोजियम 2019 कराची सेंटर ट्रिपल ई पी के। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुबली कॉरपोरेशन के, जो के सिंपोजियम के स्पॉन्सर भी हैं, और जुबली कॉरपोरेशन के अहमद रेहान साहब, जो के सीनियर मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट हैं। हम इनसे मल्टी टॉपिक सिंपोजियम के हवाले से कुछ सवाल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, बताइएगा कि माशाल्लाह से आप एक बहुत रिस्पेक्टेबल मल्टी टॉपिक सिंपोजियम में पार्टिसिपेट करते हैं एज ए स्पॉन्सर, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इससे आपके बिज़नेस में क्या डेवलपमेंट है? देखें, इस सिंपोजियम में पार्टिसिपेट करने से सबसे पहले इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क विद द पीयर्स। ठीक है, आप इंडस्ट्री में बहुत से लोगों से मिलते हैं और आपको अपने कॉन्टैक्ट डेवलप करने का मौका मिलता है। प्लस इंडस्ट्री के जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं वो सब यहाँ पे मौजूद होते हैं और आपको एक अलग से अलग का मौका मिलता है। प्लस यहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और अपने अपने पेपर्स प्रेजेंट करती हैं, तो आपको एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। और मैं ख़ास तौर पे जहाँ पे इस सिंपोजियम में जिस सेशन को अटेंड करने आया था वो अपने टाइम निकाल के, वो था डैम्स और नो डैम्स, जो कि एक प्रीवेलिंग इशू है पाकिस्तान का ख़ास तौर पर। और इसमें खैसर बंगाली, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्पीकर, तो उनको बहुत एडमायर करता हूँ। तो इस इशू पर आज बड़ी आई ओपनर, जैसे यहाँ पे डैम्स का बड़ा चर्चा है कि डैम्स होने चाहिए, यहाँ एक बहुत ही आई ओपनिंग सेशन था जिसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि डैम्स शुड नॉट बी देयर, इट्स द इशू ऑफ वाटर मैनेजमेंट। सो यस, और जो उसके हक़ में और उसके अगेंस्ट जो व्यूज़ पेश किए गए उससे मेरी नॉलेज में ख़ास तौर पर बड़ा इजाफा हुआ। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो सर, आपका डैम बड़ा इंटरेस्ट था, इस इंटरेस्ट की वजह से आप जो है पैनल डिस्कशन में आपने शिरकत की, तो आपकी अपनी क्या राय है कि डैम होना चाहिए या नहीं, जो कि एक मेन क्वेश्चन था। एज अ लेमैन, मैं भी जो टीवी पे, कमर्शियल्स पे और जिस तरह की प्रमोशन हो रही है, फंड्स जनरेट हो रहे हैं डैम के लिए, तो मेरी परसेप्शन भी यही थी कि शायद डैम्स इज़ द नीड ऑफ द कंट्री। लेकिन यस, यहाँ पे आके जो अंदाज़ा हुआ कि डैम इज़ अ सेकेंडरी इशू, द प्राइमरी इशू इज़ टू मैनेज वाटर एंड वाटर वेस्ट। ठीक है, तो ये की इशू था। और यस, यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए, जिससे जो कंक्लूजन हुआ वो इस पे कि प्राइमरी इशू वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट है, और डैम्स नहीं, छोटे रिजर्वॉयर्स की ज़रूरत है। तो ये लर्निंग यहीं पे आके हुई, और अब आफ्टर हैविंग द सेशन आई फर्मली बिलीव कि इट्स मोर टूवर्ड्स वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। तो सर, आई ट्रिपल ई पी के हवाले से जानना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह से अच्छे स्पॉन्सर यहाँ पे करते हैं, स्पॉन्सरशिप करते हैं, तो वहाँ माशाल्लाह से के, तो आप इसको बेहतर समझते हैं, इसमें कोई आई ट्रिपल ई पी के टीम में जो वर्क कर रही है उसमें बेहतरी आनी चाहिए, या कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा वर्क कर रही है? आई ट्रिपल ई पी का सिम्प्यूज, देखें, देर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। काम अच्छा हो रहा है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ईयर ऑन ईयर देर इज़ प्रोग्रेस। ठीक है, आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग हियर, आई मीन आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स से मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उससे पहले आई वॉज आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, लेकिन जो मैंने देखा है लास्ट एक दो सालों में, देर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इवन आफ्टर द लास्ट ईयर। तो इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई थिंक कुछ और पार्टिसिपेंट्स को, कुछ और सीनियर कंसल्टेंट्स को और कॉन्ट्रैक्टर्स को इसमें इन्वाइट करने की, और टू इंश्योर के दे पार्टिसिपेट एंड दे कम एंड दे मेक देयर प्रेजेंस, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको और लोगों को इंगेज करने में आसानी होगी। फिलहाल मेरे ख्याल से इट्स ऑन द राइट ट्रैक। थैंक यू वेरी मच सर, जुबली कॉरपोरेशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इंजीनियरिंग पोस्ट को टाइम दिया। थैंक यू।